जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको सीता नवमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मपुरेण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्भता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। उधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ा था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग बस उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री भी श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। आदि कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो वह कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामलका के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्त्रोत रामचंद्र अष्टकम रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बोलो सीता नवमी की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।